नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। जैसा कि आप देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, सब तरफ इतनी बड़ी खबर तो नहीं बनी, क्योंकि खबरों में भी आजकल कम्युनल और सेकुलर का भाव आने लगा है। लेकिन एक खबर आ रही है और वो खबर है, भारत में अब ऐसे भी कोर्ट बनेंगे जो मुस्लिम युवाओं के केसेस को अलग से सुनेंगे। इस विषय पर पहले भी देश में मांग हो चुकी है, विभाजन के पहले भी, और इस देश में कभी दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान ऐसा रह चुका है, कश्मीर के बारे में हो या कई और मांगों के तौर पर। लगता है ये स्थिति दोबारा आने जा रही है और अब अलग से कोर्ट, फिर अलग से शिक्षण संस्थान, तो वैसे भी कई जगह चल रहे हैं। आपको पता है कि ऐसे बहुत बड़े विश्वविद्यालय के बारे में वैसे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद चल रहा है। लेकिन अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के इस लोकसभा के चुनाव में शायद सत्ताधारी दल कांग्रेस को फायदा तो देगा, लेकिन समाज में एक ऐसा विद्वेष फैलाएगा जो हिंदू मुसलमानों के बीच में बड़ा विवाद का खाई का कारण बनेगा। कई मुस्लिम विद्वान ये मानते हैं कि ऐसे करने से मुस्लिम समाज को फायदा तो होगा नहीं, लेकिन उनको ये नुकसान जरूर होगा कि उनका हिंदू मित्र जो उनके साथ रहता है, पड़ोसी है, एक साथ काम करता है, वो इनके तरफ भेदभाव की इस नजर से देखेगा कि इसके लिए मेरे अधिकारों के ऊपर कुराड़ी चलाई जा रही है। क्या कहना है आज के विषय पर आपका? अब कॉल करके आपकी बात को रखिए। ऐसी कोई मांग मुस्लिम समाज के तरफ से, पूरे समाज की तरफ से हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार ने खुद अपने तरफ से इस गेंद को इसलिए डाला है कि इस पर उनको ज्यादा से ज्यादा रन मिलने की संभावना है। क्या ये देश के लिए नोबाल साबित होगा या देश की एकात्मता की विकेट लेकर जाएगा? क्या कहना है आपको? अंपायर का ईमानदारी से काम करके अपनी बात को रखना है। कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां वोट हासिल करने के तिगड़म में लग गई हैं। इनमें से कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिनको अपने विकास के दावों पर विश्वास नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पार्टियां धार्मिक आधार पर वोट हासिल करने का तरीका ढूंढ रही हैं। जी हाँ, कांग्रेस से लेकर सपा और नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक सभी मुस्लिमों को रिझाने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। आतंकी मुठभेड़ों को फर्जी बताने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक और कदम आगे निकालते हुए धार्मिक आधार पर कोर्ट बनाने की बात कर रही है। मुस्लिमों को रिझाने के नए तर्कों में अब सरकार की नजर लंबे समय से जेलों में बंद मुस्लिम युवाओं पर टिक गई है। सरकार इन मुस्लिम युवाओं की रिहाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने पर विचार कर रही है। इन अदालतों में उन मुस्लिम युवाओं की सुनवाई होगी जो सालों से किसी न किसी अपराध में जेल में बंद हैं। यही नहीं, इन मुस्लिम युवाओं पर कार्रवाई करने वाले अफसरों को जेल में भेजा जाएगा। इसी के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने सरकार के इस कदम की घोषणा की है। जानकारों के अनुसार चुनाव के पहले ये सरकार की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। एक ओर तो सरकार इससे मुस्लिमों को रिझाने में कामयाब हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर अपने आप को मुस्लिमों का आलम्बरदार कहने वाली सपा को भी आईना दिखाना चाहती है, क्योंकि सपा जैसे कई क्षेत्रीय दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके खूब सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। ये दल कभी मुस्लिमों को आरक्षण देने तो कभी जेल में बंद मुस्लिम युवाओं को छोड़ने की राजनीति समय समय पर करते दिखाई देते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस कहाँ पीछे रह सकती थी? लगा दिए उसने भी अपने रणनीतिकार मुस्लिमों को रिझाने में। जैसे यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी पत्नी को जिताने के लिए आचार संहिता को ही तार तार कर दिया था, वैसे ही आज कांग्रेस धार्मिक आधार पर कोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। आचार संहिता को तार तार करने के बाद भी सलमान खुर्शीद तो अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जितवा पाए, लेकिन क्या धार्मिक आधार पर कोर्ट बनाने की बात करने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी? ये सवाल अभी भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन एक सवाल हम सबके सामने है, हम तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या धार्मिक आधार पर कोर्ट बनाने की बात करता है हमारा संविधान? क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात है हमारे संविधान में? ये तो कानूनविद ही बता सकते हैं और बताते भी आए हैं कि ऐसी कोई जगह हमारे संविधान में नहीं है। मगर जो नेता संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं वही सत्ता के लिए संविधान को तार तार कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश की राजनीति किस ओर जा रही है? क्या अब हम धार्मिक आधार पर देश की नीतियां बनाएंगे? क्या यही कहता है हमारा संविधान? क्या ऐसे ही लोकतंत्र की कल्पना की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने? ये सवाल हम सबके सामने है। लगता है दिग्विजय सिंह की बात को सरकार ने माना है और सरकार की या कांग्रेस की बहुत बड़ी एक चिंता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की बात तो कांग्रेस ने की लेकिन उसका फायदा क्षेत्रीय राजनीतिक दल उठा रहे। हर राज्य में ऐसा कोई ना कोई दल है जो मुस्लिमों पर ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस से ज्यादा वोट पाता है और इसी के कारण कांग्रेस की चिंता है। भाग भाग आगे कौन भागता है, इस कहावत के तौर पर ये सबसे ज्यादा आगे भागने की कोशिश है। अगले कौन? नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। अशोक पांचाल दिल्ली छादरा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, रात मुझे सपने में दिखाई दिया था कि जंगल में भैंसा खड़ा था, कुछ बीमार था, खड़ा लग रहा था और उस भेड़िए भैंसे की तरफ कुछ तीन चार भेड़िए उसकी ओर घूर रहे थे। उनमें से एक भेड़िया उछल कर उसके ऊपर चढ़ गया। इतने में मेरी आंख खुल गई। अच्छा हुआ, नहीं तो भेड़िया उस भैंस को खा जाते, भैंसे को। बाद में मैंने जब सपने के बारे में सोचा तो ऐसा लगा हिंदुस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है, उस भैंसे जैसी है। और बीमार हिंदुस्तान का जो इलाज कोई विदेशी डॉक्टर नहीं कर सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका सपना तो टूट गया और भेड़िया तो बच गया, लेकिन ये सब कुछ जो चल रहा है ये रुकने की टूटने की बात नहीं दिखती है। लगता है कि यहाँ पर हमला हो भी चुका है और भी होगा। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी, बोलिए। मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकारें जो है हमारे देश के संविधान के खिलाफ काम कर रही है। आज ये कोर्ट बना रही है, मुस्लिम कोर्ट बना रही है, जैसे कि निर्दोष लोगों को। सरकार जानती है कि कौन निर्दोष है कौन नहीं है। देश के अंदर कोर्ट नहीं है क्या हमारे? सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं है। नई कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर देश के अंदर इस तरह केस हुआ तो हर समाज की कोर्ट अलग बनेगी। देश का संविधान कहाँ जाएगा? जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने जो कानून बनाए हैं डॉक्टर आम्बेडकर ने, उस कानून का क्या होगा? देश के अंदर जो चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इनके मुसलमानों के वोट और हर धर्म के वोट के लिए ये अलग अलग जाति करके मुसलमानों को लाखों टुकड़ों में मार देगी और हिंदुओं से नफरत पैदा कर देगी। यही है इनकी चाल और यही रहेगा। और अगर मुसलमान जागरूक हो और देश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर काम करे तो इस देश का भला होगा। बाकी तो इनके बातों में चलेंगे तो देश के अंदर कुछ नहीं होगा सर। धन्यवाद। धन्यवाद इकबाल भाई। आप देख रहे हैं कि देश के राष्ट्रवादी मुसलमान इस विषय के खिलाफ है। अगले कॉलर के पास। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, पढ़ा मैं राजपूत बोल रहा हूँ हरिद्वार से। मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के कारण देश को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग कोई सोच ही नहीं रहा है। मुलायम सिंह को अपनी पड़ी है, बस मुसलमानों के वोट चाहिए। अलग से संसद बनाने की बात करके ये लोग बड़ी संख्या में वोट इकट्ठा कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होगा कि देश के अंदर अलगाववादी ताकतें बढ़ेंगी और देश टूटने के कगार पर जाएगा। अलग से ये लोग फिर से एक और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे उन्होंने बांट लिया है, फिर से एक अलग से ये अपना मांगेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे नेताओं को चाहिए कि वो जो है ऐसी गंदी राजनीति ना करे, अच्छी सकारात्मक राजनीति करे जिससे देश विश्व में विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम रंजीत सिंह है सर। हाँ सर, पहले तो मैं बिंदास बोलूँ, काफी धन्यवाद देना चाहूंगा जो ऐसे मुद्दों को उठाते रहता है। मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ सर। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की राजनीति से तुष्टिकरण की राजनीति करना भारत के संविधान के खिलाफ है सर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा और पाकिस्तान के प्रणाली में कोई अंतर नहीं रह जाएगा सर। धर्म के नाम पर राजनीति करना सर एक बेवकूफपंथी है सर, जो इससे वोट बैंक के लिए लोग कर रहे हैं सर। सलमान खुर्शीद ने सर पहले ऐसे उनकी विधानसभा में कुछ ऐसे बयान भी दिए थे कि तुष्टिकरण के, उसके बावजूद उनका परिणाम उन्होंने देखा क्योंकि पत्नी जीत नहीं पाई। लेकिन सर अगर ऐसे ही करते रहे तो इन्हें कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन भारत में नक्सलवादी तत्व अलगाववादी तत्व बढ़ जाएंगे सर। और देश का युवा इस बात को लेकर काफी गंभीर है सर, मुद्दे उठाना चाह रहा है, लेकिन सर आपके समर्थन की जरूरत है और ऐसी समर्थन हमें मिलता रहा तो एक ना एक दिन सर हम ऐसे नेताओं को धरते उखाड़ फेंकेंगे और देश में फिर से वही
देश हमारा जागरूक हुआ, जैसे गांधी जी ने और नेहरू जी ने और हमारे अम्बेडकर जी ने और स्वामी विवेकानंद जी ने जैसी एक नींव रखी थी भारत देश के लिए, भारत देश को उठाया था सर, हमारा देश अभी गिरता जा रहा है, हमें जरूरत है कि हम इसे ऊंचे स्तर पर लेके जाएं जिस स्तर पर हमारी काम है। बिल्कुल धन्यवाद, उसी स्तर पर लेके जाना है, लेकिन देश को उठाने के बजाय वोटों की पोटरी उठाने की दिशा में जब सरकार और देश के गृह मंत्री पूरी सरकार लग जाती है तो देश कैसे उठेगा। कलर के पास चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से बोल रहा हूँ। ये जो विशेष अदालत बनाने की बात हो रही है, समस्या हमें बहुत ज्यादा अब ये दिखने लगी है कि देश को धर्म के आधार पर बांटने की जो तैयारी चल रही है ये अब एक खतरनाक रूप लेती जा रही है, और इस सरकार ने लगातार देशद्रोही काम किए हैं, इसलिए हमें जरूरत है अब ताकत जनता के हाथ में लाने की। जरूरत यह है कि लोग जागरूक हो और राइट टू रिकॉल जैसे कानून की बात करें, क्योंकि समस्याएं लगातार बनती रहेंगी। वोट बैंक की समस्या हो चाहे कोई भी और दूसरी समस्या हो, धर्म जाति संप्रदाय की बात हो, वोट बैंक बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि लोगों को बरगलाया जा सके और उसके जरिए वोट पाए जा सके। और अगर हम राइट टू रिकॉल और जनता के हाथ में अधिकार की बात करेंगे तो ही हम इस सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, सुनते हैं अगले क्या कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशी शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। कल के बिंदास में आपने कहा था कि आज देश के लिए जान देने की नहीं देश के लिए जीने की आवश्यकता है, इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तुरंत अपना अनशन समाप्त कर दें। 9 दिनों में आपने स्वयं को देश के लिए काफी कष्ट दिया है। जहाँ तक आज के मुद्दे का प्रश्न है, धर्म के आधार पर कोई भी ऐसा कार्य करना क्या उस संविधान की अवहेलना करना नहीं जिसने देश को धर्म निरपेक्ष स्वरूप देते हुए कहा है कि राष्ट्र के लिए सभी धर्मों को मानने वाले समान हैं। संविधान में संशोधनों के द्वारा ऐसे प्रस्ताव लाना क्या संविधान की आत्मा को नष्ट करना नहीं है? काश मेरा भारत कभी सच्चा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बन पाए और धर्मों के आधार पर लिए जाने वाले फैसले छोड़कर राष्ट्र धर्म के आधार पर फैसले लिए जाए। अरविंद केजरीवाल जी से मैं फिर आग्रह करता हूँ क्योंकि वे अन्ना जी वीके सिंह जी और रामदेव जी इन परिस्थितियों में मेरे लिए उम्मीद की एक किरण है। जय हिंद। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल भी राजनीति में आए तो लग रहा था कि जो परंपरागत लांगुल चालन या अपीजमेंट का पॉलिटिक्स हो रहा है ये भी नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्टी ने भी मुस्लिम आरक्षण की बात की और अपने वेबसाइट पर मुस्लिमों के लिए अलग से कॉलम भी बनाया, जो कि वही होता है जो कोई सत्ता में होने के बाद जो कर सकता है, विपक्ष में या सत्ता में ना होते जो कर सकता है। क्या हर राजनीतिक दल को ये करना चाहिए? क्या हर राजनीतिक दल में ये चीजें होनी चाहिए? सोचने की बात है। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार। हाँ जी, ऐसा है ये अभी जो ये दिखाया जा रहा है जैसे मतलब अलग मुसलमानों को बनाया जा रहा है और जो कि किया जा रहा है इस तरह से, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कभी कितनी लड़ाई लड़ने के बाद में ये हमें आजादी मिली और यही एक कांग्रेस और यही नेहरू खानदान ने जो कि हमें आजादी दिलाई है, यही नेहरू खानदान ऐसा लगता है कि देश को पूरा बर्बाद कर देगी, बांट देगी हिंदू मुस्लिम में पूरा कुछ। बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार और सभी देशों को नमस्कार। मैं स्टालिन मिश्रा कुआलालंपुर मलेशिया से बोल रहा हूँ। मुझे बेहद दुख है कि मैं एक स्वाधीनता संग्रामी के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जी ने वो स्वाधीनता संग्राम के लिए उनके पूरा जिंदगी गवाया, लेकिन अभी जो कांग्रेस जो कर रहा है वो शुरुआत से कर रहा है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द 1947 बिफोर 1947 ये लोग देश को तोड़ रहे हैं और नाम धर्म के नाम पर जाति के नाम पर। लेकिन सबसे दुख मैं इसलिए हो रहा हूँ कि अभी भी हमारे जितने लोग हैं जो मुस्लिम हो या हिंदू हो जो पढ़े लिखे हैं उनको जो जिनको फैक्ट पता है वो लोग आगे नहीं निकल रहे हैं। इन लोगों को आगे निकलना चाहिए। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा आपको कोई फैसिलिटी मिले, आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिले। आप इतिहास देख सकते हैं, अभी तक जितने भी लोग हैं, जितने मुस्लिम हैं, जितने दलित हैं, ये लोग जितने नेता लोग बोल रहे हैं वो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इन लोगों को आज भी वो लोग पिछड़े हैं, आज भी वो लोग दलित हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये बात को समझिए। और ये जो लुआव ने इलेक्शन के वोट बैंक के पॉलिसी जो चला रहे हैं कांग्रेस, इनको आप बैकट कीजिए, पूरा सोसाइटी बैकट कीजिए और देश को बचाइए। और हम लोग सबको मिलकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ना ही कोई नेता, सबको करना पड़ेगा।
और ये लुआ अपने पॉलिटिक्स में मत आइए और देश को जोड़ने के काम कीजिए। धन्यवाद। देश में मैं हमेशा कहता हूं कि बिंदास को और सुदर्शन को विदेश में बहुत ज्यादा इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि जब राष्ट्रवाद की बात होती है, देश की चिंता का विषय होता है, तो भारत के बाहर रहने वाला बहुत ज्यादा चिंतित होता है क्योंकि उसको पता है ये उसका घर है, अगर ये वापसी के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। और आखिर हर हिंदुस्तानी के लिए अगर सबसे सुरक्षित कोई स्थान है वो किसी भी धर्म का हो, जब वहां पर मार पड़ती है तो भारत आना पड़ता है। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ ये देश की सरकार पूरे देश की सरकार है किसी धर्म विशेष की सरकार है? बिल्कुल, ये जवाब देना पड़ेगा। सही सवाल है आपका। ये सिर्फ अच्छा क्या है, संवैधानिक नहीं है? अगर मैं गृहमंत्री होते हुए बोलूँ कि मुस्लिम युवाओं को छुड़ाइए और हिंदू युवाओं को उनको अंदर रहने दीजिए, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा, उनके लिए कौन बात करेगा? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिससे हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं। एक और कदम आगे निकालते हुए धार्मिक आधार पर वोट हासिल करने का जरिया। केंद्र सरकार को पता है कि जनता में उसके खिलाफ नाराजगी है, ऐसे में विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। सभी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के रणनीतिकार धार्मिकता के आधार पर धार्मिक कोट बनाकर लोगों को बहलाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय को बुनियादी सुविधाएं ना देने का बहाना। आज पूरे देश में मुस्लिम समुदाय वोट बैंक बनकर रह गया है। इसी राजनीति की वजह से अभी भी मुस्लिम समुदाय गरीबी और बेरोजगारी में गुजर बसर कर रहा है। इसी गरीबी का फायदा उठाकर कुछ आतंकवादी मुस्लिम युवाओं को फंसाकर आतंक की पौध तैयार करते हैं। आगे जाकर यही आतंकी अपने ही लोगों का खून बहाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ने का तरीका। जब दिग्विजय जैसे दिग्गज नेता कहते हैं कि बाटला हाउस मुठभेड़ फर्जी है, तब हमारी राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। जिस मुठभेड़ में हमारा एक जाबाज इंस्पेक्टर शहीद हो गया, उसे फर्जी कहना देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल नहीं तोड़ना तो और क्या हो सकता है? सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। जिस तरह से मुलायम से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक कह रहे हैं कि जेलों में बंद मुस्लिम युवाओं के लिए त्वरित कोर्ट का गठन होगा, ये सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है? आतंकवाद पर सरकार का लचीला रवैया। ये तभी महसूस हो जाता है जब हमारे सुरक्षा कर्मी बहादुरी का परिचय देकर आतंकियों को पकड़ते हैं, लेकिन कुछ नेता उन्हीं आतंकियों को बेगुनाह कहकर सुरक्षा कर्मियों को ही कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। तभी आतंकवाद पर सरकार की नीत का एहसास हो जाता है। ये कारण है। इन कारणों के सिवा भी और अपने मुद्दे जोड़ सकते हैं हम। बिंदास में स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय पर जाते हैं। चलते कॉलर के पास। हाँ, मैं दीपाली अग्रवाल बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ जी। दिल के जख्म हरे हो रहे हैं दरिंदगी देख के, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, वतन को कहीं सिर से गिरवी न रख देना नमक हरामों, शहीदों ने बड़ी कुर्बानी दे के तिरंगा लहराया है, यमुना स्तंभ का कुतुब मीनार बना निर्विवाद है और तीर्थराज प्रयाग से बन गया इलाहाबाद है, शहंशाह अकबर के दीन इलाही धर्म से नफरत नहीं किंतु महाराणा प्रताप के राष्ट्र धर्म से प्यार है, यदि सितारों ने बगावत कर दी तो अंबर का क्या होगा, लहरों ने बगावत कर दी तो समुन्दर का क्या होगा, धर्म और संप्रदाय का नाम लेकर लड़ने वालों यदि हिंदुस्तानी ने बगावत कर दी तो तुम्हारे पैगम्बर का क्या होगा, धर्म के आधार पे न्यायालय की स्थापना, धर्म का मजाक बनाना, धर्म के आधार पे लोगों को लूटना, ये साफ दिख रहा है। ये धर्म के आधार पे न्यायालय कैसे सही न्याय करेगा? धर्म मंदिर मस्जिद गीता या कुरान में नहीं मिल रहा है। धर्म तो सत्य ईमान प्रेम और बंधुत्व में है। धर्म दीवारें हटाता है और संप्रदाय दीवारें खड़ा करता है। आज मुसलमान तो है लेकिन मोहम्मद साहब का भाईचारा कहीं नहीं है, और राम का नाम लेके कृष्ण का नाम लेके लोगों से तालियां बजवाने वालों राम और कृष्ण को खड़ा करो, राम की मर्यादा को जगाओ, लोगों में राम की मर्यादा जगाओ। धर्म के आधार पे कोर्ट बनाना एकदम गलत है क्योंकि ये गलत न्याय है।
धन्यवाद। आपने देखा कि जब बात ऐसी होती है तो लोग दूसरे धर्म के आस्था ऊपर भी चोट पहुंचाते हैं। इस कॉलर ने भी डायरेक्ट पैगंबर साहब का नाम लिया, क्यों? क्योंकि उनको उनकी दुश्मनी धर्म के आधार पर बढ़ गई, जबकि ये दुश्मनी होनी चाहिए, ये गलती सरकार की है, सरकार ने डाव खेला है, तो सरकार को इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन ऐसा तब जरूर होता है जब ऐसी राजनीति होती है। अगले कॉलर, नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो हेलो जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। मैं विकास गौतम बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। बोलिए। जी सर मैं विकास गौतम बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। हाँ। सर मेरा ये सवाल है कि ये जो उत्तर प्रदेश और ये केंद्र सरकार की जो राजनीति करती है उसमें जनजाति धर्म का मतलब मुजब्बत का एक वो लेके चलती है मुस्लिमों को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मतलब सभी को सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहिए। इसमें एक धर्म के भी सबको चोट ना पहुंचे और सब एक समस्त मतलब परिवार की तरह रहे। धन्यवाद। हम यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाल। कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं तो देश की तरक्की में देरी कैसी है, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ। उसी भी पर हो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर UPS और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। वीडियोकॉन D2H हाई डेफिनेशन का डेमो चाहिए? हर HD चैनल इतना ही रियल दिखेगा। मिरर लाइक HD क्वालिटी विद मैक्सिमम असली HD चैनल्स ऑन वीडियोकॉन D2H। एक और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि धर्म के आधार पर अदालतें बनाना कितना सही है। धर्म जिसके न्याय देवता के आंखों पर आपने पट्टी बांधी और कहा कि यह समानता देखती है, ये किसी अपने पराये को नहीं पहचानती,
लेकिन इस न्याय देवता के आंखों पर बंधी हुई पट्टी को अब क्रिमिनल कर दिया गया है। वो अब एक आंख से एक और देख आंख से दूसरे को देखेगी, ये कहा जा रहा है। क्या आप अपने ही सैद्धांतिक निर्णय के खिलाफ नहीं जा रहे? लेकिन सैद्धांतिक निर्णय, संविधान, विचार, प्रिंसिपल्स, ये तब है जब सत्ता चाहिए, तब ये सब चीजें नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सर नमस्कार। सर मैं मनीष अरोरा बोल रहा हूँ, रुद्रपुर उत्तरांचल से। हाँ। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्म के आधार पर कोर्ट बनाने की सोच विभाजन की उत्तरदायी हो सकती है, क्योंकि धर्म के आधार पर यदि न्यायालयों का गठन हो जाता है तो इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा और देश दूसरे विभाजन की ओर बढ़ेगा तथा भारत देश अखंड न होकर कई खंडों में विभाजित हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही एक कांग्रेस की सरकार चाहती है, जिससे गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जो कि एक विनाशकारी कदम हो सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह कदम देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाने जैसे होगा। इसका उपाय सर यही है कि इस सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकना होगा। हम सब आपस सब लोग मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप ही कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ, जय झारखंड बिहार रेला से बोल रहे हैं। हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप से बोल रहे हैं, पावर प्लांट से सतीश कुमार सिंह। हाँ हेलो, ये कांग्रेस पार्टी जो है ये धर्म के आधार पर तो कर ही रही है, जात के आधार पर की, फिर धर्म के आधार पर की। हमको लगता है आने वाला समय में ये जो है ना, घर घर में अगर बच्चे भी अगर दो कलर के पैदा हो जाए, एक गोरे और काले, तो उसमें भी जाति, उसमें भी ये लोग जो है आरक्षण के आधार पर कहेगी हमको देने के लिए। ये हमको लगता है इस तरह की मानसिकता इन लोगों की विक्षिप्त हो गई है और इस स्तर तक लोग गिरेंगे। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसी तरह देश का विनाश करे, इसको जितना जल्दी से जल्दी इसको लात मारकर बाहर निकाले, भूसा मारकर बाहर निकाले, क्योंकि ये जो है जात धर्म सब पर एक विनाशकारी पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे बिंदास बोल और दूरदर्शन टीवी के माध्यम से कि आप इसको किसी तरह इनका दिमाग को जो है सही ठिकाना लगाइए। हम देखते हैं एमएमएस क्या कहते हैं, एमएमएस भी कई आए हैं, देखते हैं। सरकार को उन गुंडों को छोड़ना नहीं चाहिए और सख्त सख्त सजा देना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा छूटेंगे तो फिर आतंक फैलाएंगे, फिर खून और रेप वोप शुरू होंगे। इसलिए वो सरकार को यही हम बोलेंगे कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप देख चुके हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है, जम्मू कश्मीर में खास करके ये प्रयास किया गया कि जो आतंकवादी है उन आतंकवादियों को जो वहां जेलों में बंद है उनको छोड़ा गया। फिर वही नहीं बल्कि गुलाम कश्मीर में या पाकिस्तान में जो आतंकवाद का ट्रेनिंग लेने गए थे उनको घर वापसी के नाम पर बुलाया गया। उन्होंने दो दो तीन तीन साल पहले आवेदन दिया और उस आवेदन के दौरान वो भारत में आए और उन्होंने यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया। जब कार्रवाई हुई और पकड़े गए, जो पकड़े गए उन्होंने कहा कि हमने तो आवेदन किया है, उस समझौते के तहत हम यहां आए, और अगर पकड़े नहीं गए तो सीधे वापस चले गए। एक तरीके से लर्निंग का लाइसेंस का बोर्ड गाड़ी पर लटका इसलिए जाए कि हम एक्सीडेंट करके खून करें और यह कहे कि देखो हमने हेल का बोर्ड तो लगाया है। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। जयंत सर बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर जो कोर्ट बना रहे हैं आज तक ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि धर्म के नाम पर कोर्ट बनाते हैं तो भारत को दोबारा ये दूसरे बंटवारे के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत जिस तरीके से धर्म निरपेक्ष है उसी तरीके से रहे, और ये जाति के नाम पर देश को बांटने के प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देश की जनता को चाहिए कि ऐसे लालची भेड़ियों को लात मारकर सत्ता से बाहर कर दे और अपने देश में वापस एक इस प्रकार का राष्ट्र साथ अपना स्थापित करें जिससे कि अपना देश आगे बढ़ सके। ये अपने देश की प्रगति न देख करके देश को ऐसे कुएं में धकेल रहे हैं जहां की उसको बचाने वाला नहीं मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ बोलू चौहान साहब। बिल्कुल बोलिए। हाँ चौहान साहब नमस्कार, आपके प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ड्रामा चला रही है कांग्रेस, सबसे पहली बात ये है जो ये बोलते हैं कि आरक्षण देना मुस्लिम को, वो पिछड़े हुए लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मुगलों का इराक था देश के अंदर, इतने हजारों वर्ष तक उन्होंने राज किया और उसके बाद अगर वो पिछड़े हुए हैं तो इसमें क्या हिंदू जिम्मेदार हैं? दूसरी बात यह है साहब कि ये जो कांग्रेस है ये महात्मा गांधी के नाम पर दुनिया को मूर्ख बनाती है। आजादी 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 दिलाने वाले सुभाष बाबू, चंद्रशेखर आजाद और ये ऊधम सिंह वगैरह, ये जो बेचारों ने जवानी की
वो हालत में फांसी के फंदे लगाए अपने गले से उन्होंने आजादी दिलाई है, ये तो सब महाझूठ है जो ये गाना चला रहे हैं कि यदि हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, ये तो सदी का सबसे बड़ा झूठ है। और इस तरीके से ये कांग्रेस जो है महासांप्रदायिक पार्टी है, ये बीजेपी को सांप्रदायिक बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर इस देश के अंदर सबसे कोई सांप्रदायिक पार्टी है तो कांग्रेस है, जिसने देश को बंटवाया और बंटवाने के बाद जैसे ये सत्ता में आए इन्होंने हिंदू मुस्लिम राइट करना शुरू कर दिए और आज भी इसी लीग पर चले जा रहे हैं। इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह यह है कि हिंदू बटा हुआ है। आप चाहिए कि सभी हिंदू मुसलमान और जो भी अपने को दलित वगैरह कहते हैं सब एक हो जाएं और इन बदमाशों की चालाकियों को समझें और इनको खाक फेंकें। बिल्कुल, धन्यवाद। न्याय व्यवस्था हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी पुलिस व्यवस्था हिंदुस्तानियों के लिए है, या ना ये केवल हिंदुओं के लिए है, ना ये मुसलमानों के लिए है, ये किसी भी एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए, एक गुट के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ पर अमीरों के लिए अलग न्याय की बात होती है, यहाँ पर संजय दत्त जैसे अभिनेता उसके लोकप्रियता के आधार पर उसके लिए अलग बात होती है। इतना ही नहीं, इटली के जो दो नेवी के सैनिक पकड़े गए उनके लिए अब दिल्ली में अलग कोर्ट बन रहा है और वो उसकी सुनवाई करेगा। केरला में जहां घटना घटी है वहां से उस पर कार्रवाई नहीं होगी। आपके पास अधिकार है तो जो चाहिए जब चाहे जहां चाहिए जैसा चाहे बनवाए। संविधान क्या चीज है? अगले कॉल। नमस्ते सुरेश जी, हिमांशु बोल रहा हूँ। हाँ, आज हम धार्मिक आधार पर अलग कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि यह देश के विभाजन और देश के इस्लामीकरण के बढ़ते हुए कदमों की आहट है। सरकार ने जो दलाल बिठाए हुए हैं देश की संस्कृति और एकता को तोड़ने के लिए, यह उन्हीं का षड्यंत्र है। दूसरी बात, हम जब आज ये बात करते हैं कि मुस्लिम युवाओं को अलग से कोर्ट चाहिए कि उनके केस हैंडल किए जाएं, उन हिंदू युवाओं का क्या जिनको भगवा आतंकवाद के नाम पर अंदर डाला हुआ है? साध्वी प्रज्ञा मरने की कगार पर है लेकिन किसी को उनकी चेतना तक नहीं है। अगर आज भी हमारे देश के मुसलमान इस बात का स्पष्ट विरोध नहीं करते कि उनका तुष्टिकरण बंद होना चाहिए तो उनको देश के गद्दार के सिवा और कुछ संज्ञा देना मेरे बस में नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता है तो कहाँ है? क्या इस देश का मुसलमान समझता है हमें अपना भाई? क्या इस देश का मुसलमान देश की अखंडता को ऊपर रखता है अपने धर्म के? अगर नहीं रखता तो यह उनकी गलती है। अगर आगे से हिंदू उनकी तरफ आत्मीयता से नहीं देखेगा तो ये हमारी गलती नहीं, ये उन्हीं की गलती होगी। अगर उन्हें विकास करना है तो देश के मूल निवासी हिंदुओं के साथ कदम बढ़ा के चलना होगा, देश को सर्वोपरि और अपने धर्म को उसके बाद रखना होगा। तभी जाकर के उन लोगों का भविष्य सुधरेगा और तभी यह देश अखंड रह पाएगा। भीख से मिले मोती से मेहनत की मिली दो की रोटी बहुत अच्छी होती है, ये समझ लेना आवश्यक है। जय हिंद। जय हिंद। लोगों के बीच सामाजिक विद्वेष फैलाने की जो प्रक्रिया कुछ लोगों के दिमाग की उपज है वो सही साबित होती आप देख रहे हैं और लोगों में एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, जबकि ये गुस्सा उस सरकार के प्रति होना चाहिए जिसने निर्णय किया है। अब देखिए, इकबाल भाई नाम के हमारे गुजरात के मुस्लिम कॉलर ने कहा कि निर्णय गलत है। इस देश में ऐसे जो भी मुस्लिम हैं जो सरकार के अपीजमेंट के कारण मुस्लिम समुदाय का ही बुरा हो रहा है ऐसा मानते हैं, उन्होंने आगे आकर ऐसे विषय कौन सा भी दल हो, क्योंकि केंद्र में तो कांग्रेस है, राज्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टियां सत्ता में है, वो भी ऐसी राजनीति करती है और उससे कई समुदायों को नुकसान होता है। अगले कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए जी। जो बोल रहे सुनील कुमार फैजाबाद से। हाँ जी, जो हम पूछना चाह रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे और जो मुलायम सिंह जो मुस्लिमों को जो है रिहाई दिलाने की बात कर रहे हैं, ये उनको खुद नहीं पता है कि वो जो है एक आतंकवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आज तक जितने आतंकवादी निकले हैं वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के निकले हैं और ना कि हिंदू के, और इनको खुद नहीं पता है कि वो कितने बड़े आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे सरकार को जो है देश से बाहर निकालकर फेंकना होगा और जड़ से निकालकर फेंकना, इसके लिए हम सभी देशवासियों को एक साथ होकर इकट्ठे ऐसा सरकार बनाना होगा कि जो निष्पक्ष अच्छा हो, निर्णय फैसला दे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा सर, ऐसी सरकार की जो ऐसा जो धर्म के आधार पर कोर्ट अलग बनाना चाहती है, ऐसी सरकार की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देना चाहिए जिसे ऐसी बात सोचने पर ही ये गुनाह करते हैं सब।
ऐसा मेरा वैसे तो संविधान कहता है, वैसे तो कानून कहता है, वैसे तो चुनाव आयोग की संहिता कहती है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी भी विभाजनकारी तत्वों के आधार पर अगर आप वोट पाने के लिए कोई राजनीति करते हैं तो उस दल की मान्यता रद्द हो सकती है। लेकिन ऐसा अब तक इस देश में नहीं हुआ है और उसी का फायदा सत्ता में आने वाले दल उठाते हैं। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं पवन बोल रहा हूँ काशीपुर से। हाँ, भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। धर्म आधारित कोड बनाना बहुत ही दुखद है। नवंबर 2011 में ये सरकार सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल लाने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रवादी ताकतों के विरोध के कारण ये सरकार उस बिल को संसद में पेश नहीं कर पाई। तुष्टीकरण का घड़ा भर चुका है और जब घड़ा भर जाता है तो निश्चित ही टूटेगा। आने वाला समय हिंदुत्व का है। दो तीन राजनीतिक दलों को छोड़कर सभी राजनीतिक दल एक ही लक्ष्य दिए हुए हैं, मुस्लिम और मुस्लिम। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हिंदू वोट देते समय जाति, बिरादरी, क्षेत्रवाद की संकीर्ण मानसिकता के आधार पर बट जाता है और गैर गंभीर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट दे देता है। सभी हिंदू एकजुट होकर राष्ट्रवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। आने वाला समय दुनिया में, भारत ही नहीं दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद। आने वाला समय तो हिंदुस्तान का है, ये सही है। आने वाला समय हिंदुस्तान का परचम दुनिया पर लहराने का है, यह भी सही है। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए विदेश में जितने प्रयास हो रहे हैं, इसके लिए जितनी एनजीओ इस देश के पीछे लगाई जा रही है, विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी हम आगे जा सकते हैं वहां पर तथाकथित मानवतावादी, वहां पर तथाकथित जो यूनियन से, वर्कर्स यूनियन से और मीडिया के कुछ हाउसेस से या ऐसे ऐसे चीजों को लगाया गया है। आईपी जो पीआईएल है उसका भी उसके लिए हथियार बनाया जाता है। ऐसे कई चीजें हो ही रहे हैं। ऐसे में एक राजनीति भी ऐसी हो रही है जिसमें ये परचम रहना ना दूर की बात है, देश के अस्तित्व का ही सवाल है। अगले बार शिरडी के लाभ को सत नमन, सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस सोच की निंदा करता हूँ। गैंग रेप में नाबालिग एक विशेष संप्रदाय का बच्चा है। मेरे विचार में राशिद अलवी, शकील अहमद, सलमान खुर्शीद जैसे नेता बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, मगर 84 के सिखों के दंगों की वजह से सरकार स्वयं कटघरे में है। ये सेकुलर बनी फिरती सरकार हिंदुओं का दोहन करी। मेरे विचार में ये ढिंढोरा पीटने वाली धार्मिकता की, छदम धार्मिकता की छवि दिखाने वाली कांग्रेस सरकार को अब उखाड़ फेंकना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं? इस देश की हर जाति को समझना चाहिए कि ये जो कांग्रेस कर रही है, जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, आगे भी देश में इतनी अदालतें हैं उसमें कितना न्याय लोगों को मिलता है, आज तक मिला है। तो के कारण धर्म की अदालतें बनाने वाले ये कांग्रेस को इस देश से उखाड़ना ही पड़ता है। धन्यवाद। वैसे भी हमारे पास जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था से न्याय की उम्मीद करना गलत बात है। जिन्होंने देश के खिलाफ युद्ध किया उनके खिलाफ भी न्याय प्रक्रिया फास्ट करने के बावजूद भी 20 साल लग जाते हैं, वहां जाकर भी राजनीति होती है। ऐसे में अलग से कोर्ट बनाकर, कोर्ट बनने की प्रक्रिया ही न जाने कब उसकी अधिसूचना निकलेगी, कब उसके लिए जज, वैसे भी पहले से जज नहीं है और ऊपर से फंड का रोना रोया जाता है। लेकिन ये इलेक्शन के पहले होना नहीं है, इलेक्शन के पहले केवल घोषणा करनी है, लालच और गाजर दिखाना है जिससे कि वोट मिल सके। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं जो धर्म के नाम पर जो ये सरकार अलग से कोर्ट बनाने की बात जो कह रही है, मैं चार पंक्तियों में उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो देश के अंदर ऐसा बवाल ना खड़ा करें जो अंग्रेज जो है के नाम इस देश के अंदर नहीं कर पाए। आप इन 65 सालों के अंदर क्यों करने के लिए जा रहे हैं? तो मैं इन राजनेताओं को चार पंक्तियों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये देश तो वैसे ही जल रहा है, इसको धर्म के नाम पर और ज्यादा क्यों जला रहे हैं ये।
उत्तर में कश्मीर जल रहा, पूर्व में आसाम जल रहा, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक पूरा हिंदुस्तान जल रहा, राजनीति के दावानल ने सारा भारत जला दिया है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए तुमने करके दिखा दिया है। अरे अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर, अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर, तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर, घर घर बांटे, आंगन बांटे, गली गली गलियारे बांटे, मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, तुमने ही गुरुद्वारे बांटे, जंगल बांटे, उपवन बांटे, खेत खेत की मियाद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी, और बंटवारे की राजनीति ने देश अपाहिज बना दिया है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए तुमने करके दिखा दिया है। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात है, ये कई कॉलर हमारे कविताओं के माध्यम से कम शब्दों में अपने बहुत बड़ी अभिव्यक्ति को आपके सामने रखते हैं। अगले कॉलर। अब ये मैं ग्वालियर से मनीष सोनी बोल रहा हूँ। हाँ, आज का जो विषय धर्म आधारित कोर्ट के ऊपर, तो मैं बताना चाहूंगा 1947 में जब देश आजाद हुआ था, देश दो हिस्से में बटा था, एक में पाकिस्तान जो धर्म आधारित बना था, और जो हिंदुस्तान जो धर्म आधारित नहीं बना था, सेक्युलर था। आज भी सेक्युलर को फॉलो किया जाता है, लेकिन जब देश सेक्युलर होने के कारण इसको कोड धर्म आधारित कोड बनाने का क्या औचित्य है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। धन्यवाद। धर्म के आधार पर देश पहले ही बन चुका है, जिनको उधर जाने के लिए कहा गया, इधर आने के लिए कहा गया, ये प्रक्रिया 50-60 साल पहले हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है और वो शायद एक और विभाजन की तरफ जा सकती है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, भजन लाल। हाँ जी, मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ कि ये धर्म के नाम पर जो वोटें बटोरी गई हैं सरकार में, यूपी गवर्नमेंट में, और जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या गुंडागर्दी, लूटपाट, बलात्कार ये सब हो रहे हैं, क्या ये सरकार चलाएगी? क्या मैं पूछना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं भगवान दास बोल रहा हूँ जी, गीता कॉलोनी से। हाँ, क्या कहना है आपका? सर, ये जो देश के नेता लोग उन्हें इस देश की नींव हिला के रख रहे हैं, इनका क्या होगा हमारे बच्चों का? इन देश के नेता जो हमारी नींव हिला रहे हैं, हमारे देश के बच्चों का क्या होगा? इनका तो सिर्फ वोट की खातिर आपस में सहयोग लेने के लिए इतना इतना पैसा बांटते हैं, मुलायम सिंह को, मायावती को, इनका क्या होगा कि हमारे देश को खोखला खोखला पार्टी सिर्फ पैसे को बचाने के लिए रखी हुई है? हेलो सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारे आने वाले कल का क्या होगा, यहाँ आज की इतनी बड़ी चिंता है, कल तो अगर ऐसा ही आज चलता रहा तो कल तो बुरा, काला और गंदा होना ही है। अगले कॉलर। हेलो सर, जय सिया राम सर। बोलिए। सर, मैं हैदराबाद से संतोष वर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये 25 करोड़ जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी तो गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही चिंता है, और हम 100 करोड़ लोगों के लिए कुछ चिंता ही नहीं है। ये 25 करोड़ में से कुछ लोग आते हैं, बम फोड़ के भी चले जाते हैं, फिर ये जेल में जाते हैं और हमारे टैक्स के भरे हुए पैसों की बिरयानी खाते हैं, और काफी साल तक करोड़ों खर्चा करने के बाद इनको फांसी पे लटकाते हैं, और फिर इनको फांसी पे लटकाने के बाद फिर इनका बदला लेने के लिए फिर कोई आके बम फोड़ के चले जाता है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसको समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने समर्थन दे रखा है, तो हमने इस भ्रष्टाचारी पार्टी को, हमने सर इस भ्रष्टाचार पार्टी का विरोध कर जैसे समाजवादी पार्टी या बीएसपी को वोट दिया है। हम कहेंगे कि मुद्दे के आधार पर 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपके अपनी बात कहेंगे तो हम ज्यादा कॉलर को और बोलने का मौका दे पाएंगे। हमें मिल देखते हैं कि क्या कहता है। इन कैदियों को जितने जल्दी से जल्दी कम समय में मुक्ति दे दिया जाए ज्यादा बेटर है, और मुक्ति ये नहीं कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको सजाए मौत या फांसी का सजा सुना के इनको खत्म किया जाए। वैसे भी हमारे पास जेलों में जगह नहीं है, ऐसे ही कई लोग हैं जो, मैं धर्म के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, क्या ऐसे लोग हैं जिनको सजा दी जा चुकी है और वो सजा पूरी करने के बजाय उनको तारीख पे तारीख का खेल खेलकर और ज्यादा से ज्यादा दिन जीने के लिए कोर्ट में, जेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रादेशिक आधार पर या धर्म के आधार पर बवाल ना हो। ये कभी भी सही नहीं है,
उस सरकार के पास जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी पुलिस है, इतनी बड़ी एग्जीक्यूटरी ताकत है, वो अगर एक कैदी को फांसी देने में या उसके ऊपर कार्रवाई करने में इतनी डरेगी तो उसके खिलाफ जब करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे तो घुटने टेक देंगे। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा, आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या एमएसओ से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि धर्म के आधार पर कोर्ट बनाना कितना सही है। अब तक के प्रत्येक कॉलर ने इस बात का विरोध किया है। इवन जिन मुस्लिमों को लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास राजनीतिक दल द्वारा, सरकार द्वारा, गृहमंत्री द्वारा और अल्पसंख्यक मंत्री द्वारा किया जा रहा है, वो अल्पसंख्यक भी कॉल करके कह रहे हैं कि ये गलत है। आपका क्या कहना है, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं हमें बताएं। आइए कुछ और कॉलर हमारे साथ मीटिंग में, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं केटी पांडे झांसी से सर। मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस सरकार के इस मुद्दे को पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। ये किसी भी तरीके से गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है। एक झंडा, एक संविधान, एक संसद हमारा, एक कानून, तो दो अदालत कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है और ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है और ना सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार करती है तो इसका बहुत ही घोर विरोध करना चाहिए और किसी को भी इसके कारण समर्पण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हम सर बोलिए। मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जो इस देश में आरोप है उनको जल्दी जल्दी सजा होना जरूरी है, इसलिए कि आरोप में जो गलत काम करने के दूसरे आरोप में डर पैदा ना हो सके, उनको जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको कि क्या परिणाम होंगे। मुस्लिम समुदाय गरीब का गरीब बना रहेगा। देश की सरकारों का मकसद केवल मुसलमानों का वोट हासिल करना है, कभी भी मुसलमानों को बुनियादी सुविधाएं देने की बात नहीं होती। देश में मुस्लिम समुदाय वोट बैंक बनकर रह जाएगा। देश में जो पार्टियां अपने आप को मुस्लिमों का हितेशी बताती हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का वोट हासिल करना है। किसी भी हद तक जाकर ये पार्टियां मुस्लिमों का वोट हासिल करना चाहती है।
देश धार्मिक आधार पर बट सकता है। इसका नजारा एक बार हम देश के बंटवारे के रूप में देख चुके हैं। उस वक्त भी ऐसी चीजों से ही देश के बंटवारे की नींव पड़ी थी। आज भी ऐसा ही होने जा रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल टूट सकता है। जो आतंकी सुरक्षा बलों ने बड़ी बहादुरी के साथ पकड़े, उनसे भविष्य में होने वाले हमलों की काफी जानकारियां हासिल हुई, मगर उनके खिलाफ कोई बड़े सबूत नहीं मिल पाए या फिर सबूत जुटाने के लिए पूरा वक्त नहीं मिला। ऐसे ये आतंकी भी फायदा उठा सकते हैं। धार्मिक आधार पर कोर्ट में निर्णय दिए जाने लगेंगे। जो कोर्ट ना तो किसी धार्मिक आधार पर निर्णय देते हैं और ना ही सांप्रदायिक के आधार पर, लेकिन अब धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर निर्णय दिए जाने लगेंगे। देश में आतंकवाद को और बढ़ावा मिल सकता है। जो बेगुनाह है उसे कोई भी कोर्ट गुनाहगार नहीं मानता, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत ना होने का कुछ आतंकी फायदा उठा सकते हैं और वो रिहा होकर आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया, बोलिए। ये जो हमारे देश के नेता जो है अलग अलग कोर्ट बना रहे हैं, इससे अच्छा है कि क्यों नहीं पूरे देश में केवल मुसलमानों को ही रखे और बाकी हिंदुओं को यहाँ से निकाल फेंका जाए। और देश में जब भाजपा की सरकार थी तो सारा कानून लगाई और कांग्रेस आई तो कोटा हटा दी, जिसके बाद से आतंकवादियों को हमारी फोर्स कितनी मेहनत के बाद पकड़ती है और इसके बाद से उसको सजा दिलाने में कम से कम 25 वर्ष का समय, 20 वर्ष का समय लगता है। और इसके बाद से सजा होने के बावजूद ये लोग जो है उसको सजा देने में, फांसी पर लटकाने में समय बिता देते हैं। तो क्या जरूरत है मुसलमानों को पकड़ने के लिए और उनको केवल बोलते ही छोड़ दिया जाए तो क्यों नहीं अच्छा है। और नेता जो है देश को बहुत जल्द से जल्द गुलाम करने वाले हैं और बिना गुलाम किए ये मान नहीं सकते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं संबलपुर से, मैं खिलेश्वर बोल रहा हूँ। हाँ। भारत को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है और भारत में धर्म के आधार पर वोट बनाकर तुष्टिकरण की राजनीति करना एकदम अधर्म और बिल्कुल संप्रदाय है। जितने भी पार्टी धर्म के आधार पर वोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो सब पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट बैन करना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। फेसबुक पर आई हुई प्रतिक्रिया हम भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साथ में www.sudarshannews.com इस हमारे भारत के सबसे बड़े हिंदी न्यूज पोर्टल पर भी इस समय लाखों लोग इस कार्यक्रम को दुनिया भर में देख रहे हैं। जिन देशों में हम सैटेलाइट के द्वारा या IPTV के द्वारा उपलब्ध नहीं है वहां पर, या देश के कुछ हिस्से में भी आप मोबाइल पर टीवी पर जहां उपलब्ध नहीं वहां पर मोबाइल पर, आईपैड पर, आई टच पर या कंप्यूटर लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको www.sudarshannews.com इस हमारे पोर्टल पर जाना होगा। अगले पर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ ये आप देख रहे हैं धर्म का आधार पर अदालत बनाने का काम, जो कहाँ तक सही है कि कोई ऐसी हमारे संविधान के अंदर ऐसी चीज नहीं है कि वो जिसको चेक कर सके ये चीज गलत है या ठीक है। एक 10 रुपए की हम चीज खरीदते हैं, सरकार कहती है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। क्या ऐसी कोई हमारे संविधान के अंदर प्रावधान नहीं है कि हम ऐसी हरकतों के खिलाफ कोर्ट में जा सकें? बिल्कुल जाना चाहिए। हालांकि कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन उन कानून को राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए बनाना ये निश्चित तौर पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। सबसे बड़ा कोर्ट आप है, इसलिए इसको चैलेंज आप करें, इसलिए हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। मैं बोलूँ क्या? हाँ अभी बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, अल्पसंख्यक की परिभाषा बदल लेनी चाहिए। अल्पसंख्यक वो होना चाहिए जिसका भारतीय संस्कृति से लेना देना नहीं है, वो अल्पसंख्यक है। और जो ऐसा अल्पसंख्यक है वो ना ले, धार्मिक या कोई भी ऐसी सुविधा जिनको मिलनी ही चाहिए।
बस मेरा ये मानना है। धन्यवाद। वैसे भी अल्पसंख्यक किसको कहा जाए, जो आबादी के 25% है क्या वो अल्पसंख्यक होंगे? अगर हम प्रतिशत के मात्रा के आधार पर ही तय करेंगे तो फिर तो 49% और 51% पर भी जाकर ये मामला नहीं रुकेगा। 51% वाला बहुसंख्यक और 49% वाला अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हिंदुस्तानियों को एक नजर से देखना चाहिए, और अगर कहीं अल्पसंख्यक विषय की सुविधा भी किसी को देनी है कुछ समय के लिए, लेकिन वो कितनी हो, 1%, 2% या कितनी हो, इस पर राष्ट्रीय बहस कर उसका निर्णय होना चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं अमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ, भारत में धर्म आधारित कोर्ट बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। धार्मिक आधार पर कोर्ट बनाकर वोट हासिल करने का कार्य नकारा राजनेताओं का हो सकता है, जिन्होंने सरकार रहते कोई जनहित कार्य नहीं किए, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। अब एग्जाम नजदीक आ गए तो शॉर्टकट के द्वारा मुसलमानों को रिझाने के लिए यह नापाक हरकत की जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ, ये कांग्रेसी नेता जो है ना, हाँ नमस्कार, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। कांग्रेसी नेता जो है, इन्होंने देश का कबाड़ा पहले ही कर दिया है, और अभी ये हाथ पांव मार रहे हैं, कभी मुसलमानों को लेके, कभी अल्पसंख्यकों को लेके, कि हमें वोट किस तरह से हासिल होंगे। मुझे तो लगता है कि इन्होंने, धन्यवाद, हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, उपाय की तरफ हम जाते हैं, परिणाम दिखा चुके, हम उपाय दिखाते हैं। धार्मिक आधार पर कोर्ट बनाने के निर्णय को आगे ना बढ़ाया जाए। जो बेगुनाह हैं वो बेगुनाह हैं, कोई कोर्ट बेगुनाह को सजा नहीं देता, लेकिन यहाँ लगता है जैसे धार्मिक कोर्ट को निर्णय पर विश्वास ना हो। मुस्लिमों को वोट बैंक की बजाय बुनियादी सुविधाएं देने के बारे में सोचा जाए। अपने आप को मुस्लिमों के हितेशी बताने वाले पार्टियां उन्हें केवल वोट बैंक की तरह प्रयोग करती है। जैसे ही चुनाव आए, मुस्लिमों से तरह तरह से सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी जाती है। इसमें ना मुस्लिमों का विकास हो पाता है और ना ही उन्हें न्याय मिल पाता है। न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने की बात हो, ना कि धार्मिक आधार पर बदलने की। ये बात सही है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया की लंबी कार्रवाई कभी कभी नुकसानदायक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका गठन धार्मिक आधार पर ही करने लगें। देश के नेता वोट बैंक की राजनीति बंद करें। आज सरकारें वोट हासिल करने के लिए विकास का सहारा नहीं लेती। जब ये सरकारें विकास के कार्य करती ही नहीं जिनसे आम आदमी का विकास हो, तो कैसे विकास के नाम पर वोट मांग सकती है? लेकिन देश हित के लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की नीति की जरूरत है। हर कोई बात तो ये करता है कि देश की एकात्मता रहनी चाहिए, देश एक संघ रहना चाहिए, देश सबका है और सबका होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक ऐसा नहीं मानते। उनके पास बांटकर किसी को देने के लिए अगर कुछ है तो केक जैसा ये देश है, और इसलिए वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, सत्ता में दोबारा आने के, राज्य की हो, देश की हो, किसी शहर की हो, वो केक की तरह अपने क्षेत्र को काटते हैं और अपनी पसंदीदा को उसको पहले खिलाते हैं। क्या देश भी एक केक की तरह रह गया है कि आप अपने खुशी से किसी को भी जैसा चाहे काटो और बांटो? ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसा कानून भी किसी को अलाउड करता है तो इस देश की जनता नहीं होने देगी, क्योंकि ये देश कानून के लिए नहीं है, कानून इस देश के लिए है। सत्ता इस देश के लिए है, ये देश सत्ता के लिए नहीं है। हमें समझना होगा कि हमने अगर किसी के भी हाथ में कहीं पर भी जो सत्ता दी है, वो उनको देश बाप की बपोती के तौर पर नहीं दिया है। कोई भी सत्ता में आएगा, कई राजनीतिक दल बनेंगे, बिगड़ेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम भी जिएंगे, मरेंगे, कई पीढ़ी आती रहेंगी, लेकिन ये हिंदुस्तान रहना चाहिए, और हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे इसलिए सारे देशवासियों को एक नजर से हिंदुस्तानी कहकर देखना चाहिए। उसमें से कोई गुनहगार है तो सजा मिले, वो कौन है ये ना देखा जाए, उसकी एकमात्र पहचान है कि वो गुनहगार है। हमारा संविधान यही कहता है, इसलिए हमारी न्याय देवता की आंखों पर पट्टी बांधी है, वो अपना पराया ना देखने के लिए,
लेकिन यहाँ पर वो पट्टी इसलिए बांधी है कि वोट देने वाला कुछ भी करे तो उसके तरफ नहीं देखेंगे। आपको तय करना है कि राजनेताओं की ये चाल सक्सेस होनी है या इसको रोकना है। बिंदास बोल में हमने ये प्रयास किया, आपने प्रतिक्रिया दी, कुछ लोगों ने कुछ कड़वी प्रतिक्रिया देकर एक दूसरे के धर्म के खिलाफ भी अगर कुछ बोला है तो यह प्रतिबिंब है कि ऐसा करने का चाहने वाले लोगों को यश मिल सकता है। हम ऐसे प्रतिक्रियाओं को खारिज करते हैं और आज के कार्यक्रम के साथ ही आपको आह्वान करते हैं कि बिंदास बोल में क्या हो विषय, इसके लिए आप हमको लिख भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4, नोएडा, UP। हमारा ईमेल आईडी है बिंदास बोल, माफ करिए यहाँ ईमेल आईडी का एड्रेस गलत लिखा हुआ है, बिंदास बोल में एस एक ही है, bindasbol@sudarshantv.com। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।